हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ एंड मैं दुआ करूँगी आप लोगों के लिए कि आप लोगों के जो भी सपने हों, जो भी ख्वाहिशें हों, इस साल सारी पूरी हों और इस साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। तो देखिए, हमने वाला स्वेटर पूरा कर लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। ये बहुत ही प्यारा सा स्वेटर है, हमने यहाँ पर 3-4 बटन लगाए हैं, बट हमने बटन के लिए होल पूरे स्वेटर में किए हैं और हमने पूरे स्वेटर में छोटे छोटे स्टोन लगाए हैं, बट आप इसकी जगह मोती भी लगा सकते हैं। हम बैक साइड से भी आपको दिखा दें, देखिए बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है और बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा, इसमें ऊन कितनी लगी है देखिए, इसमें 500 ग्राम ऊन लगी है, थोड़ी सी आपकी बच जाएगी, बट आप 500 ग्राम ऊन खरीदें, ठीक है। तो ये साइज हम आपको बता दें, 32 और 34 साइज़ वालों का है। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है, एक्सेल और डबल एक्सेल बनाना है, तो हमने पार्ट वन में आपको सारे साइज बताए हैं। पार्ट वन का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है, जाके देखें। और पार्ट टू में हम आपको बाजू बनाना बताएंगे, बटन पट्टी बनाना बताएंगे, नीचे का बॉर्डर बनाना बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम पार्ट टू में बताएंगे। तो पार्ट वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है, या फिर आप चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब के सामने ऑल बनाए, उसको टच करेंगे तो चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पार्ट वन में बता दिया है कैसे बनाया है। देखिए, पार्ट टू में हम आपको बॉर्डर बनाना बताएंगे, बटन पट्टी और बाजू बनाना बताएंगे। तो बॉर्डर में कुछ नहीं किया हमने, लास्ट में 4 रो सिंगल क्रोशिया की करी हैं, जो दो फंदे एक साथ निकालते हैं उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। लास्ट में हमने 4-5 रो सिंगल क्रोशिया की कर ली हैं। जब आपकी लेंथ पूरी हो जाए, लंबाई पूरी हो जाए, उसके बाद आप लास्ट में 4-5 रो सिंगल क्रोशिया की बना लें। तो हमने एक साइड में जिसमें बटन लगाते हैं वो वाली पट्टी बना ली है, जो बटन के होल बनते हैं ना, वो वाली पट्टी हम आपको बनाना बताएंगे। तो देखिए, डिज़ाइन एकदम सिंपल है। 3 फंदे हमने नॉर्मल लिए, एक फंदा उठा के बुना है, 3 फंदे नॉर्मल, फिर एक फंदा उठा के बुना है राइट साइड में, और रॉन्ग साइड में हमने क्या किया, 3 फंदे उठा के बनाए और एक फंदा नॉर्मल लिया है। जब आप पार्ट वन देखेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। आज हमने एक बाजू भी तैयार कर लिए, एक बाजू हम आपको बनाना बताएंगे। बाजू भी एकदम सिंपल है, यहाँ से हमने उनको ज्वाइन किया और हर 5 रो में हमने दोनों साइड से एक एक फंदा घटाया, फिर 4-5 रो में सादा बनाई, फिर 4-5 रो में हमने फंदा घटाया, फिर इसके बाद इस तरीके से हम फंदा घटाते गए, तो हमारी बाजू की कटिंग भी आ गई है। लास्ट में हमने यहाँ पर 5-6 रो सादा सिंगल क्रोशिया बना ली है, ठीक है। तो अभी हम आपको बाजू बनाना बताएंगे, तो आपके समझ आ जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पर। हमने ऊन को ज्वाइन कर लिया, 3 चैन ले ली देखिए हमने। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को रॉन्ग साइड से हम बुन रहे हैं, तो हम 3 फंदे उठा के बुनेंगे। देखिए, एक फंदा बुना, दूसरे फंदे को भी उठा के बुनेंगे। तीन फंदे हमने उठा के बुने, एक फंदा हमारा नॉर्मल दिखेगा, उसको नॉर्मल बुनना है हमें। फिर से 3 फंदे उठा के बुनेंगे। देखिए, जब आप बनाएंगे तो आपके समझ आ जाएगा। रॉन्ग साइड से हमें 3 फंदे ऐसे उठा के बुनने हैं, एक फंदा नॉर्मल बुनना है, ठीक है। इस तरीके से बुना, देखिए, फिर से एक फंदा नॉर्मल बुनेंगे, यहाँ पर एक फंदा सादा बुनेंगे हम, इस जगह पे सादा बुनेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा हमने सादा बुन लिया, ठीक है। अब फिर से हम 3 फंदे उठा के बुनेंगे, देखिए 3 फंदे फिर से हम उठा के बुनेंगे, 1, 2 और 3। 3 फंदे फिर से उठा के बुन लिए हमने, फिर एक फंदा सादा दिखेगा, उसको सादा बुनेंगे। तो जब आप लोग पार्ट वन देखेंगे और थोड़ा बुन लेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे बुनना है, ठीक है। तो इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, सेकेंड रो में आपको बताएंगे आगे क्या करना है, ठीक है।
फंदे हमें उठा के बुनने हैं। एक फंदा सादा बुनना है, इसको पूरा यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ पर हम ऊन को ज्वाइन करेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। देखिए सेम डिज़ाइन बनकर आएगी, फर्स्ट रो हमें सेम बनानी है, सेकंड रो में हम आपको फंदा घटाना बताएंगे, फंदे कैसे घटाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 3 चैन ली थी स्टार्टिंग में, उसमें में डालकर उसको ज्वाइन करेंगे। फिर से हम 3 चैन बना कर और यहाँ पर इसको घुमाएंगे। देखिए अब हमने 3 चैन ले ली, इसको घुमाएंगे और राइट साइड से बुनेंगे सीधे साइड से। तो सीधे साइड में हमें क्या करना है, 3 फंदे नॉर्मल बुनने हैं, 1 फंदा उठा के बुनना है। जो फंदे जैसे दिखेंगे उसको वैसे ही बुनना है, बट हमें फंदे भी घटाने हैं साथ साथ में। तो देखिए फंदा कैसे घटाना है, देखिए इसमें डाला, लास्ट के 2 फंदे रहने दिए, देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और लास्ट के 2 फंदे रहने दिए, फिर इसके पास वाले में डालेंगे, इसमें भी देखिए रहने दिए। अब सारे फंदे एक साथ निकालेंगे तो हमारा 1 फंदा घट जाएगा, ठीक है। अब जो फंदा हमें उठा हुआ दिखेगा उसको उठा के बुनना है, इसको देखिए उठा हुआ है, तो इसको इस तरीके से डाला और डबल क्रोशिया बना लिया यहाँ पर। फिर 3 फंदे सादा दिख रहे हैं तो उनको सादा बनाएंगे डबल क्रोशिया से, 1 2 3। फिर से 1 फंदा ऊपर से आपको दिखेगा उठा हुआ, तो इसको इस तरीके से क्रोशिया डालना है और डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें फंदे साइड से ही घटाने हैं, ठीक है। जहाँ से हम ऊन ज्वाइन करेंगे ना, वहीं पर हमें दोनों साइड से 1-1 फंदा घटाना है। अगर आपके फंदे पहले से कम है तो आप ना घटाएं, अगर आपको ज़्यादा लगे फंदे, बहुत हैवी लगे, तो आप घटाएं, ठीक है। तो इस पूरी रो को हम यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ पर भी हम फंदा घटाएंगे, कैसे घटाना है भी हम आपको दिखा देंगे। देखिए लास्ट में आगे लास्ट के 2 फंदे हमारे जब बच जाएंगे तो हमें फिर से फंदा घटाना होगा। देखिए अभी हमारे पास 3 फंदे हैं, तो 1 फंदा हमने बना लिया, दूसरे फंदे को इस तरीके से बनाएंगे, 2 फंदे रहने दिए, इसको बनाया, सारे फंदे अब एक साथ निकालेंगे तो 1 फंदा हमारा घट जाएगा। अब स्टार्टिंग में जो 3 चैन ली थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन किया और फिर से 3 चैन बनाएंगे हम। अब 3 चैन बना के फिर से इसको घुमाएंगे हम, घुमाने के बाद रॉन्ग साइड से बुनेंगे। फिर से फंदा घटाएंगे यहाँ पर, 4-5 रो में हम घटाएंगे, हमारे फंदे ज़्यादा हैं इसलिए हम घटा रहे हैं। अगर आपके फंदे ज़्यादा नहीं हैं तो ना घटाएं आप, अगर ज़्यादा हों तब घटाएं, ठीक है। वरना अगर आपके फंदे ज़्यादा नहीं हैं तो आप कोनी तक एक सा बुनते हुए आएं और कोनी के बाद आप घटाना शुरू करें, बट हमारे ऊपर से ही ज़्यादा फंदे हैं इसलिए हम थोड़े से घटाएंगे फिर कोनी के बाद घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से 3 फंदे नॉर्मल बनाने हैं, देखिए 1 फंदा हमें घटाना है, इस तरीके से घटा दिया हमने और 1 फंदा नॉर्मल दिखेगा उसको वैसे ही बनाएंगे। तीन फंदे उठा के बनाएंगे, यहाँ पर 1 फंदा घट गया, दूसरे साइड भी हमारा 1 फंदा घटेगा, तो इसको पूरा यहाँ तक बना के लाएंगे, फिर 1 फंदा यहाँ पर घटाना बताएंगे हम आपको। तो इसी तरीके से बनाते जाना है, सिंपल है, जैसे डिज़ाइन हमने बनाई है सेम वैसे ही बनाते जाएंगे और फंदा हमारा घटता जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं तब घटाएं, वरना आप कोनी तक ऐसे ही लेकर आएँ उसके बाद घटाना स्टार्ट करें। तो हमने इतना देखिए बना लिया है, फंदे घटाते हुए इतने में हम आ गए हैं। अब हम 4-5 रो सादा बनाएंगे, फिर नीचे के साइड फंदा घटाना स्टार्ट करेंगे हर रो में, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आएगी। फिर से हम आपको समझा दें, देखिए राइट साइड में हमें 3 फंदे सादा, 1 फंदा उठा के बनाना है, रॉन्ग साइड में 3 फंदे उठा के बनाने हैं और 1 फंदा सादा बनाना है, इसको सादा बनाना है, फिर 3 फंदे उठा के बनाने हैं, फिर 1 फंदा सादा बनाना है, फिर 3 फंदे उठा के। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे और बाजू की लेंथ पूरी करेंगे। घटाना कैसे है, फंदे साइड से ही घटाना है, दोनों साइड से जैसे अभी हमने आपको बताया था वैसे ही घटाना है। तो इसकी पूरी लंबाई करने के बाद हम आपको बॉर्डर बनाना बताएंगे, ठीक है। तो हमने पूरी बाजू बना ली है, अपने अकॉर्डिंग देख लें, कितना हाथ डाल के देख लें, हमारी पूरी बाजू हो गई है। अब हम इसमें नीचे बॉर्डर बनाएंगे, तो अभी फंदे ज़्यादा हैं तो नीचे के साइड फिर से हमें घटाना है फंदे, तो कैसे घटाना है भी आपको बताते हैं। सब
सबसे पहले हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके पास वाली चेन में देखिए दो सिंगल क्रोशिया हो गया, तीसरे वाले में और चौथे वाले में डाल के सबको एक साथ निकालेंगे, एक फंदा घट गया। फिर देखिए एक दो तीन, फिर से देखिए इसमें डालेंगे और इसके पास वाले में डालेंगे, फिर से एक फंदा घटाएंगे, क्योंकि फंदे हमारे नीचे की साइड ज़्यादा हैं इसलिए, अगर आपके ज़्यादा नहीं है तो आप ना करें, ठीक है। इस तरीके से घटाएंगे और सिंगल क्रोशिया ही बनाना है हमें। देखिए इसमें डालेंगे, दो या तीन के बाद फंदा घटा दें आप इस तरीके से, एक में डालना है फिर इसके पास वाली चेन में डालना है, फिर सारे फंदे एक साथ निकालने, इसी तरीके से फंदे हमें घटाने हैं। तो इसको हम पूरा ऐसे ही बनाएंगे पूरी रो, फिर आगे आपको बताएंगे। पहली रो में हमें फंदा घटाना है, उसके बाद सारी रो में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। आपको दिखाते हैं, देखिए एक चेन लेने के बाद एक चेन ली, फर्स्ट वाले में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में भी एक बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में एक बनाएंगे। इस तरीके से जितनी भी चेन है हर चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हमारा बॉर्डर बन जाएगा, हम 6-7 रो बना लेंगे बाजू पर, और हमने नीचे की साइड भी 4-5 रो बनाई हैं। तो लेंथ पूरे होने के बाद आपको 6-7 रो सिंगल क्रोशिया की बनानी है। देखिए दो चेन एक साथ निकालते हैं, इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। इसको पूरा हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको आगे दिखाएंगे आगे क्या करना है। देखिए पूरी बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है, दोनों बाजू कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब हम आपको आगे की बटन पट्टी बताएंगे कैसे बनानी है। तो यहाँ पर हमने बटन पट्टी बना ली है, बटन होल जो होल वाली पट्टी होती है वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे सबसे पहले यहाँ पर, एक चेन लेने के बाद इसमें डालेंगे फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके पास वाली चेन में भी एक बनाया। देखिए देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे। देखिए एक इसमें बनाना है, एक इसके ऊपर, एक यहाँ पर बनाएंगे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इसके ऊपर, फिर एक यहाँ पर, एक इसके ऊपर। इस तरीके से हर चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, दो फंदे एक साथ निकालने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या करना है। यहाँ तक हम आके सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, अब हमने गले पर अलग अलग तरीके का गला बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हम सेम तरीके से बनाएंगे, एक चेन लेके फर्स्ट वाले में डालेंगे, इस तरीके से फंदा निकाल दिया, इसको डालेंगे और यहाँ पर ये फंदा है जो वो इसके अंदर से निकाल दिया, फिर इसमें डालेंगे, यहाँ पर देखिए जो फंदा है इसके अंदर से निकाल दिया। तो इसी तरीके से हम पूरी पूरा गला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब फिर से एक चेन लेके इसको घुमाएंगे, इस तरीके से गला बन जाएगा। एक चेन लेके इसको घुमाया, फिर से सेम रिपीट करेंगे हम। इसको निकाल दिया, इसमें डालेंगे, निकाल दिया, फिर इसमें डालेंगे, इसके अंदर से निकाल दिया, इस तरीके से निकालते हुए।
यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर भी इसको निकाल दिया। ठीक है, गला हो गया कंप्लीट। अब हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसको बनाएंगे। इसमें डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक बनाएंगे। पूरे रो में हमें जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए नीचे तक लेकर आना है। फिर नीचे हम आपको बताएंगे क्या करना है। इस तरीके से बनाते हुए नीचे तक लेकर आएंगे। तो यहाँ पर नीचे तक हम आ गए। अब हम आठ चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, आठ के बाद हम आपको दिखाएंगे। आठ सिंगल क्रोशिया के बाद एक दो दो चेन लेके दो चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया, दो तीन चार, आठ बार हमें बनाना है। देखिए इस तरीके से आठ बार बन जाएंगी। जब हमारी फिर से हमें बटन होल बनाना है तो दो चेन लेकर एक दो और दो चेन छोड़ेंगे तीसरी वाले में डाल के, फिर से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। फिर से दो चेन लेकर दो चेन छोड़ेंगे और फिर से बटन होल बनाएंगे। हम दो चेन लेकर दो चेन छोड़ के यहाँ पर तीसरी वाली चेन में डाल के बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे। इसको बनाते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे। हम ऊपर तक आ गए। अब देखिए गले पर हमें सेम रिपीट करना है, यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरीके से ऊपर तक लेकर जाएंगे इसको। पर हमें सेम रिपीट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद हमारा बटन होल आ गया, तो इसके अंदर दो बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक है, फिर आठ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आठ बार बनाने के बाद फिर से हमारे बटन होल आ जाएगा, तो इसके अंदर हमें फिर से दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक और ये दो। ठीक है, फिर से हम आठ बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपल है, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो बटन के लिए हमने दो चेन ली है ना उसके अंदर हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, एक और ये दो। तो पूरा तैयार करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे। हमने पूरी देखी तैयार कर लिया। अब इसमें हम बटन लगा के और फिर आपको स्टोन लगाना बताएंगे, स्टोन या फिर मोती आप लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बटन भी कंप्लीट कर लिए, बटन लगा लिए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको स्टोन लगाने हैं तो देखिए ये वाला फेविकॉल आता है, कपड़े पर स्टोन चिपकाने वाला फेविकॉल आता है। देखिए आप जब ख़रीदने जाएँ तो आप बोलें कि कपड़े पर हमें ना फैब्रिक स्टोन चिपकाने हैं, तो वो कपड़े वाला फेविकॉल आपको दे देंगे। ये काफ़ी अच्छा होता है और जल्दी छूटते भी नहीं है स्टोन। दो चार बार आप वॉश कर लेंगे उसके बाद तो हो सकता है छूट जाएँ। तो आप इसको स्टोन लगा सकते हैं या फिर आप मोती भी लगा सकते हैं। मोती लगाने के लिए आपको सुई धागे से सिल सकते हैं आप। तो हमारे पास ये स्टोन है, हम स्टोन लगाएंगे। तो कैसे लगाने, चलिए अभी दिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम एक बॉक्स छोड़कर एक में लगाना है। देखिए इसमें लगाया, जैसे हमने इसमें लगाएंगे, इसमें देखिए लगाएंगे।
एक में हमने लगा लिया, फिर एक छोड़ेंगे दूसरे में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे इसमें लगाएंगे। तो एक को हमें छोड़ना है और दूसरे में लगाना है, ठीक है। इसमें लगा दिया, फिर एक छोड़ेंगे हम और इसमें छोड़ के इसमें लगा दिया। जिसमें हम स्टोन लगा चुके हैं उसके नीचे वाला बॉक्स हमें छोड़ना है और सब में लगाने। तो इस तरीके से हम लगाने के बाद आपको पूरा दिखाएंगे। तो देखिए पूरे में हमने स्टोन लगा लिए, बहुत प्यारा सा सेटअप बन गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्द बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आने वाली हैं, तो घंटी भी प्रेस करें। और काफ़ी सारे स्वेटर, काफ़ी सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाएंगे आप, उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट चेक बना दी हैं, आप उसको जाके चेक कर लें। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तक आप इसको इंजॉय करें। बाय।